अभी हमारे बीच में हम लोग फिर के श्राम भट्ट जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु जी आए और गुरु महाराज जी का कुछ मेमोरी शेयर करें। प्रभु जी के संग में रहने की वजह से हम लोग को भी बहुत संग मिला महाराज का। 2020 में जब राम भट्ट जी इस मंदिर में एज ए टेम्पल प्रेसिडेंट आए तो महाराज अक्सर बुलाते थे। अभी 20-22 दिन पहले महाराज बुलाए थे हम लोगों को अराउंड 1 अप्रैल के आसपास, और महाराज पूछे थे व्हाट्स न्यू इन गुड़गांव, एंड फिर अभी वो शेयरिंग करेंगे प्रभु जी हम लोगों के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपाद सहितम य प्रकाश वतीर्य च प्रचारन कृतवान साधो भागवत पदाय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों ने बहुत ही कंठ आ रहे इसमें, सो बहुत ही सीनियर वैष्णवों ने गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन किया, और हम जैसे महाराज जी गए हैं अपना फिजिकल बॉडी को छोड़ के, तब से हम सुन ही रहे हैं ग्लोरिफिकेशन। इतने सारे भक्त, इतने सारे महाराज, है ना, इतना ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि जितना सुनते जा रहे हैं हमको और कम पड़ रहा है ना, और सुनते जाए और नए नए एंगल, नए नई डीलिंग्स, हाँ, और बच्चे से लेके बूढ़े तक जो है वो महाराज सबको, सबके हार्ट को टच करते थे। हाँ, ये बात तो बोली रहते थे आप कैसे हो, टच करते थे सबको। तो उनका ये बहुत बड़ा फिजिकल प्रेजेंस है, तो कभी भी नहीं हम उसको रिप्लेस कर सकते। बट जैसे डिवोटी बता रहे हैं कि महाराज की वाणी को हम जो है वो हम लेके आगे इसको बढ़ा सकते हैं। जानते हैं कि बहुत हम जैसे दुष्ट लोग का ही महाराज ने उद्धार किया है, और हम पहले क्या थे और अभी क्या हैं हम जानते हैं। यानी मैं तो जानता हूँ अपने बारे में, और कोई नहीं जानता है, तो है ना। तो मैं हमेशा बोलता कि आज हमारे से ये चमक, ये धमक, ये फूल वनवा महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से ही है। हाँ, तो आज हमको कोई माला पहनाता है, हमारे चंदन लगाता है, हमारे कंठी माला पहनते, कैसे परिवर्तन हो गया समझ में नहीं आया। इट्स ऑल ग्लोरीज टू माय डियर गुरु महाराज। सो आई एम सॉरी इफ आई एम इमोशनल, बट इतना प्रेम जो है हमको कहीं नहीं मिला संसार में, और इतना मेरे को दुख कभी नहीं हुआ। मैंने घर भी छोड़ा तो मेरे को दुख नहीं हुआ था इतना। आई नेवर क्राइड इन माई लाइफ इवन व्हेन आई लेफ्ट माई फैमिली, मेरे कोई दुख नहीं था उस समय। और मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया कि मैंने, मेरे को जो है इस्कॉन में अच्छा नहीं लग रहा है और मैं इस्कॉन छोड़ के चला जाऊं। आई नेवर थॉट लाइक दिस, because I got a purpose from my spiritual master to serve Srila Prabhupada's mission till your last breath. And that's what उन्हें अपने विल में भी सबको यही बोल के गए हैं, बी इन इस्कॉन, बी इन इस्कॉन, बी विद श्रील प्रभुपाद, फॉलो जीबीसी, बार 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 वही किए हैं। उसकी लाइफ में उन्होंने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। And I know many people, you know, they were running here and there to meet so many Babaji's. कि बाबा जी के पास जाने का है, सिद्ध प्रणाली मंत्र लेने का है, और हमको राष्ट्रीय में एंटर करने का भगवान का। अब नाउ एवरीबॉडी इज रियलाइजिंग कि रात को महाराज सो रहे हैं और अपने ड्यूटीज को क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नित्य सिद्ध पूजा पूजा कर रहे हैं, और एज इट इज पूजा कर रहे हैं। कितने लोगों ने वीडियो देखा है, वो रुमाल लेके, पंखा लेके वाटर्स दे रहे हैं, चावर दे रहे हैं, और बाद में मोर पंख दे रहे हैं। तो मैं बता के महाराज हेल्थ वीक होने के कारण शंख नहीं बजाते थे,
अगर महाराज शंख बजाते तो महाराज शंख भी बजाते रात को. सो आप सबसे पता चला है कि सबसे बड़े बाबा जी तो गोपाल कृष्ण महाराज थे. कि नाइट को 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं. परम पूज्य लोकनाथ गोसाई महाराज बता रहे थे कि महाराज एक बार चिंताहरण घाट पे पहुंचे. चिंताहरण घाट पे बोलते तो मैंने बोला महाराज आप बहुत चिंता लेते हो. यशोदा मैया भी चिंता लेती थी तो आज यहाँ चिंताहरण घाट है, यहाँ चिंताहरण कर लो. आपकी बहुत सारी एंजाइटी लेके चलते हो महाराज आप, आपकी चिंता हर जाएगी आज यहाँ प्रणाम करेंगे तो. तो महाराज बोले कि मैंने रियलाइज किया वो चिंता नहीं थी, वो कृष्ण का चिंतन था. कृष्ण का चिंता था. तो हम देख सकते हैं कि इतना डायनामिक पर्सनालिटी, मैनेजर, 18 मंदिर, यू नो लैक्स ऑफ बुक्स, दैट इज हिज एक्सटर्नल लीला. कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्य में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आने के दो कारण थे, बाहरी कारण और अंदरूनी कारण. वो तो उनके लिए एक मिनट का काम था ये. आई नो विच डिवोटी स्पोक कि जहां जहां महाराज जाते थे अपने चरण लगते थे, लक्ष्मी जी साथ में चलती थी, तभी तो बड़े बड़े मंदिर बना देते थे महाराज. रियल ग्लोरीज कनेक्टिंग लैक्स ऑफ सोल्स टुगेदर, उनको सेवा करना, सेवा का भाव, उनका हर प्रति सेवा का भाव. सुंदर बाबू जो बता रहे थे अहमदाबाद का, एंड देट हैपेंड विद मी. मैं पर्सनल असिस्ट कर रहा था महाराज जी को और गुरु महाराज जी जो है वो दीक्षा दिए. दीक्षा देने के बाद महाराज का बॉडी बिल्कुल एकदम तप गया. दीक्षा लेना मतलब डिसाइपल के पाप लेना. हमारा सारा गंध जो है गुरु लेते हैं. हमारा काम, हमारा क्रोध, इंजॉय हम करते हैं, भोग हम करते हैं और दम का करते हैं गुरु जी के ऊपर. वी आर लस्सी, वी आर ग्रीडी, एंड देन हु हैंडल एवरीथिंग, गुरु जी हैंडल करेंगे उसको दीक्षा के माध्यम से. तो उस दिन का जो डे था महाराज का पूरा शरीर तप गया था. और बाद में यूथ फेस्टिवल था, हम सब लोग गए. महाराज आप कैसे लेक्चर देंगे आप? महाराज के कुछ शिष्य थे, महाराज का मसाज कर रहे थे. महाराज बोले सबको बोले तुम जाओ, तुम आराम करो जाके. और हम आराम करने चले गए तो हम कुछ ज्यादा ही आराम करने चले गए. महाराज हम जब उठे तो महाराज यूथ लेक्चर डंडा पकड़ के अपना सदस्य डंडा लेके वो यूथ लेक्चर दे रहे हैं जाके. मैंने सोचा कि बाप रे तो इतना बॉडी तप रहा था कैसे हो गया सब कुछ ये. और मेरे को शर्म आ रही थी मैं लेट हो गया था क्योंकि महाराज बीमार थे, हम नहीं थे. तो महाराज पहले पहुंच के हम बाद बाद में जा रहे गदे. तो सो शॉकिंग, महाराज लेक्चर देखे आए नीचे बैठे तो मैं पीछे बैठा, चेयर के पीछे बैठा हुआ ना. एंड इज क्राइंग जो बता रहे बोल रहे थे वो मैंने अपनी कानों में सुना. हे कृष्ण मेरे पास सेवा नहीं है, कृष्ण मेरे पास सेवा नहीं है, मेरे को और सेवा दो, मेरे को और सेवा दो, मेरे को और सेवा दो, इवन मोर सर्विस. सो उनका जो सर्विस एटीट्यूड है. अब मेरे को जब महाराज यहां बोले मैंने बोला मेरे लिए क्या आदेश है. मैंने पहले भी बताया आपको मेरे लिए क्या आदेश है, हमारा मेरे को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए. थोड़ा गुड़गांव इज वेरी टफ. और मेरे को बताया गया कि यहाँ 2.5 साल से ऊपर प्रेसिडेंट रहता नहीं है. तो मैं ऑल शॉक हो गया. तो मैं गमारा मारा मेरे को क्यों बलि बना रहे वहां जाकर. मेरे को भक्ति करने आया हूँ, मैनेजमेंट मेरे को करने आता नहीं है महाराज. मैं प्रचार कर सकता हूँ, गा सकता हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए, बट ये मेरे को आता नहीं करने के लिए. महाराज बोले जाओ अब एक बात का ध्यान रखना, आप सबके दास हो. सर यू आर सर्वेंट ऑफ एवरीबॉडी. तो मैंने बोला महाराज जब मैनेजमेंट में रहते हैं जिसका जिसको यस बोलोगे वो तो मेरे से बड़ा अच्छा हो जाएगा, जिसको नो बोलोगे वो मेरा दुश्मन बन जाएगा. तो मेरे तो बहुत सारे दुश्मन और मेरे बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे.
महाराज बोले डोंट वरी, व्हाट एवर इज राइट, कृष्ण का स्मरण कीजिए, प्रभुपाद का स्मरण कीजिए, डू व्हाट एवर इज राइट, डोंट वरी. सो देयर आर मेनी थिंग्स जहां महाराज ने पर्सनली सिखाया, पर्सनली कुछ किया. और प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं कि मेरे को कुछ नहीं आता था. मैं जहां भक्ति करने के लिए, यहां भक्ति तो था ही नहीं, जॉब करने के लिए, जॉब भी गुड़गांव में नहीं मिल रहा था, गधे के क्वालिफिकेशन. जब देखते हैं योग्यता विचारे कि चुना ही है तो हमारा शक्ति आछे. तो गुरु जी की कृपा है, हम तो साक्षात देख सकते हैं यहाँ कि हम जैसे गधे ढोंगी व्यक्ति भी कुछ बोल सकते हैं. तो उनके पास बहुत सारे डिसाइपल थे, इंटेलिजेंट लोग थे, महाराज कभी भी अपना जो है वो चमत्कार नहीं दिखाते थे. ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. आप देखो जो महाराज जो है वो लंदन में जो दे रहे हैं, कन्वर्सेशन दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं महाराज, जैसे एकदम पहले लेक्चर सुन के बहुत हैवी महाराज लेक्चर देते थे. लेकिन हम छोटा सा भी काम कर देते थे, एक रिपोर्ट दे देते थे बीच में, एक मैगजीन बना दिया, ओ सो नाइस सो, और पूरा डब्बा रख लिया, बोला बाद में खाएंगे उसको. तो टुडे अगर मेरे को बोलेंगे व्हाट्स न्यू, तो आज उनकी जो है हम जो सेरेमनी कर रहे हैं, सो आई ट्राई टू गिव हिम समथिंग न्यू व्हिच इज वेरी डियर टू हिम, वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन. तो आज हमने हमारे अरुण भारद्वाजी कहा है? ये खड़े हैं यही, तो इनकी कृपा से इन्होंने पूरा संकीर्तन बस स्पॉन्सर किया है, उसका हम आज महाराज से उद्घाटन करेंगे. सो दैट्स न्यू आई वांट टू ऑफर माय गुरु महाराज, दिस न्यू फॉर हिम बिकॉज ही लाइक्स क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ही लाइक संकीर्तन. हमारे पास बहुत सारी बसेस होनी चाहिए, बाहर जाए प्रचार करें जाके. सो आज के दिन नया अपने गुरु महाराज को समर्पित करना चाहते हैं. आई रियली थैंक्स टू अरुण भारद्वाज प्रभु और उनकी वाइफ यहाँ बैठे हैं, और ये भी बहुत जल्दी ऐसे समझ गए हैं कि करना क्या है. बोला प्रभु जी मेरे को मिशन समझ आ गया है. सो थैंक यू प्रभु. अभी उसका इस सेरेमनी के बाद में गुरु प्रसाद महाराज जी और सुंदर गोपाल प्रभु सब से यहाँ भी आरती करेंगे, बस वहां लगा हुआ है. तो दैट इज न्यू फॉर माय गुरु महाराज. मैनी थिंग्स, बहुत चीजें हैं बोलने के लिए. लास्ट बताऊंगा, महाराज बीच में आए हुए थे नीचे, उस समय टेम्पल हॉल था, तो महाराज क्लास दे रहे थे, क्लास देते सडनली टॉपिक चेंज कर दिया. तो मैं समझ गया महाराज टॉपिक को चेंज कर दिए. दशावतार प्रभु लिखे हैं लैपटॉप, तो वैशिष्ठ का प्रभु बोला कि महाराज प्रमोट भद्र पूर्णिमा, जैसे आज बता रहे थे वो, अभी भद्र पूर्णिमा शुरू हो गया. तो मेरे को लगा महाराज चाहते हैं कि भद्र पूर्णिमा के बारे में बोलना चाहते हैं. मैंने लेक्चर बीच में गया, मैंने बोला महाराज क्या हम भी शुरू कर सकते हैं भद्र पूर्णिमा, हम बांट सकते हैं, तो आप हमारा लेक्चर दो, तो मैं भागवतम सच लेके आता हूँ. महाराज बोले गो अहेड. तो मैंने बोला महाराज आप जहां भी जाते हो महाराज नंबर वन कर देते हो, नंबर वन सर सुना है हमने, सुनिया सी साधु मुखे, साधु से सुना है कि आप जहां जहां भी जाते हो नंबर वन कर देते हो महाराज. आप पूना के नंबर वन कर दिया, आपने मायापुर के नंबर वन कर दिया, दिल्ली में नंबर वन कर ही देते हो महाराज. महाराज पहली 10 लिस्ट में कहीं हमारा भी 10th नंबर आ सकता है क्या? भद्रपूर्णिमा हमारा की नीचे से महाराज हम ऊपर चले, एक लिस्ट में कहीं नाम आ जाए. महाराज मेरे को बोले राम भद्रा तुम फर्स्ट आ जाओगे. मेरे को समझ नहीं आ रही कैसे कैसे हो सकता है, इतने बड़े बड़े स्टार, इतने बड़े बड़े लोग आपने कभी किया ही नहीं, और ना हम रेडी है करने के लिए. राम भद्रा तुम फर्स्ट आ जाओगे, और आप मतलब सुन के आश्चर्य हो जाएंगे, उन्होंने बोला है तो कष्ट करेंगे. Whatever he spoke, Krishna has to do this. और 2022 में मीडियम टेम्पल में इस्कॉन गुरुग्राम नंबर वन में था भद्र पूर्णिमा में. Because he said like this, उन्होंने बोल दिया.
अगली बार नहीं बोला था, चलो किसी हमारा नाम ही नहीं था, वो सिर्फ 15 सेट कर दिया हमने, अब पिछली बार किया तो 50 सेट, 100 भी पूरा नहीं कर पाए थे। एनगाड़ी मैंने बोला महाराज हमने 1,00,000 का टारगेट लिया महाराज, हमारा बोला बड़ा अच्छा है लेकिन 50 तक कर पाओगे? बोला उत्साह बड़ा अच्छा है आपका, उत्साह बहुत अच्छा है, ऐसा ही आप अगर मिल के करोगे सब तो हो जाएगा, फिर 50 तक करोगे, और वही बात हुआ है, हमने किया 1,00,000 का लेकिन हुआ 50,000। तो बाकी बीच चीज में लैंड लोड के चाचा बोलता रहता था महाराज, कभी डिस्कवर ही नहीं करते थे, माने बोले कि यू कैन चेक लाइक दैट, है ना? सो ही नेवर डिस्करेज, ही ऑलवेज लाइक न्यू आइडिया, नई नई चीजें, नई बोलते रहते थे इनकरेज करने के लिए डिवोटीज को, है ना? और बोलने के लिए बहुत कुछ है, और टेम्पल हमने जब ओपनिंग किया उसमें बहुत सब चीजें हुआ है कि नहीं, और हमारे पर्सनली गाइड करते थे, एंड देन ही वॉज मैग्नेनिमस पर्सनैलिटी, और इतनी ग्लोरिफिकेशन सुनने के बाद मेरे को लगता है कि हाँ बहुत भाग्यशाली थे कि महाराज जी की सेवा में कुछ हम लोग जो है वो एक कुछ तिनका कर पाए, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद गुड़गांव प्रोजेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण।